चल रहे गणेश पर्व तथा आने वाले गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस विभाग और वहीवटी प्रशासन काफी सतर्क सावधान बन चुका है, जिसमें पूर्व तैयारी के भाग रूप गणेश विसर्जन कौमी एकता, शांति, सलामती और कानून व्यवस्था के बीच संपन्न हो, वैसे आशय से आज पुलिस कमिश्नर द्वारा विशेष रूप से पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। वडोदरा शहर में आज गणेश पर्व के चौथे दिन के साथ गणेश पर्व तथा आने वाले गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस विभाग और वहीवटी विभाग काफी सतर्क और सावधान बन चुका है। आने वाले गणेश विसर्जन को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह द्वारा विशेष रूप से पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए तमाम व्यवस्था की जानकारी दी गई। विसर्जन के वक्त पुलिस बंदोबस्त लादा जाएगा और अच्छे रूप से तथा शांति प्रिय माहौल में विसर्जन सम्पन्न हो, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर द्वारा तमाम की बारीकी से जानकारी देने के बीच आज पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। कौमी एकता, शांतिपूर्ण माहौल में तथा सलामती के साथ ये गणेश विसर्जन पर्व को समापन करने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह तथा सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर के यू रोकड़िया सहित कलेक्टर ए बी गौर की अध्यक्षता में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए तमाम जानकारी दी गई, जहाँ अलग अलग स्थलों पर ACP से लेकर उच्च पुलिस अधिकारी तथा पुख्ता और पौलादी पुलिस बंदोबस्त लादा जाएगा। कृत्रिम तालाब पर भी पुलिस बंदोबस्त रखने के साथ हर एक तालाब पर क्रेन सहित की व्यवस्था रखी जाएगी, जो ये पत्रकार परिषद में सांसद रंजनबेन भट्ट सहित मेयर के यू रोकड़िया द्वारा भी इसकी विशेष जानकारी दी गई थी, जहां पुलिस भवन से आने वाले गणेश विसर्जन संदर्भ में शांति समिति बैठक का आयोजन करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारी उपस्थित रहने के साथ तमाम की जानकारी और उसकी रूपरेखा देते हुए इस मौके पर हिंदू तथा मुस्लिम समाज के अग्रणी तथा कई आगेवान भी उपस्थित रहे थे। आज गणेश विसर्जन संदर्भ में शांति समिति मीटिंग आयोजन कर तमाम सभ्यों धारासभ्यश्री संसद सभ्यश्री मेयरश्री हाजर रहा था अने मुस्लिम समाजना आगेवानों पण हाजर रहा था। तमामे आ विसर्जनना बंदोबस्त में पूरतो सहयोग आपवानी खातरी आपी छे अने आ गणेश विसर्जनना जे वडोदरा शहरना सौथी मोटो बंदोबस्त होय छे अने मोटो फेस्टिवल छे ए शांतिपूर्वक रीते सफल रीते संपन्न थाय એવી ખાતરી આપી છે। એમાં અમે એક સ્ટેગરિંગના આયોજન કર્યું છે કે જે સ્થાપના થયા છે આ એરિયામાં, તો એ ગણપતિ જ્યારે વિસર્જન માટે નીકળે તો એના ટાઈમ અમે જુદા જુદા કરી દઈશું, જેથી કરીને ટ્રાફિક જામ નહીં થાય અને આ વખતે એક બીજા રૂટ પણ અમે વાપરવાના છે, જે કીર્તિ સ્તંભવાળો રોડ છે, અર્ધા ગણપતિ આ બાજુથી પણ આવશે અને અર્ધા દાંડિયા બજાર બાજુથી પણ આવશે, જેથી કરીને ટ્રાફિક જામ ઓછો થાય। કાલે ગણપતિ વિસર્જનનો પાંચમો દિવસ છે, કયા પ્રકારનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવે? આમાં તમારે તમામ તૈયારીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે બંદોબસ્ત માટે, કૃત્રિમ તળાવ, ક્રેનની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, લાઇટની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે અને અમે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વડોદરા શહેર પોલીસ એઝ એ ટીમ, બંને ટીમ બંને સાથે મળીને કામ કરી રહી છે। તમામ સહયોગ આપવા માટેની ખાતરી આપી છે અને મુસ્લિમ સમાજ તરફથી ગણેશજીની સવારી જ્યારે નીકળે એના દરેક જગ્યા ઉપર સ્વાગત થાય એ બાબતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ખરેખર મુસ્લિમ સમાજના યુવક મંડળ પણ ગણેશજીની સવારીની સ્વાગત કરવા માટેની તૈયારી બતાવી છે। સર, પૂર્વ મંત્રીએ બેઠક બાદ પ્રતિક્રિયા આપી છે, પોલીસ થોડી ઢીલાશ રાખે અને ઘર્ષણ કોઈ જગ્યાએ ના થાય। થેન્ક યુ, જય હિન્દ સર। એક દૂસરા